राहुल ना मेरे को दो तीन चार दिन से रोज बोले जा रहे कि तू ना रात को खराटे लेती है। मैंने कहा नहीं मैं लेती नहीं, मैंने शादी से पहले तो आज तक कभी खराटे नहीं लिए हुए, यहाँ आगे मेरे को कहाँ से खराटे आए। मैं बता दूँ मेरे पे टेक्ट मैंने इसको बोला तू खराटे लेती है, हो ही सकता मैं खराटे लेती हूँ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल में। सो आज हम लोग जा रहे हैं दिव्या के दूसरा माइक है, तो हम लोग आपको वहां पहुंच के बताएंगे कि आखिर कौन सा है दिव्या का दूसरा माइक है। और दिव्या सारी तैयारियां हो रखी है? हाँ, और मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरा ससुराल है वो मेरे दोनों माइकों के बीच में है, मतलब एक माइक का मेरा इधर है, एक माइक का मेरा इधर है और बीच में मेरा ससुराल है। तो हम आपको इसके दूसरे माइक है जब पहुंच जाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सा है दिव्या का दूसरा माइक है। तो आप सभी लोग बने रहे इस व्लॉग में। देखिए देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, सोच रहे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। मम्मी क्या कह रहे हैं? सोच नहीं रहे, लग ही रहे हैं, हम हमेशा भैया आपका क्या कहना है? बहुत सुंदर लग रही है भैया। अप्सरा नहीं लग रही है, अप्सरा अनुज तेरा क्या कहना है? ये कह रही है कि ये बहुत सुंदर लग रही है। मैं हंस ही सकता हूँ बस इस बात पे, सिर्फ हंसा जा सकता है। कोई भी आस भले पुराने जमाने की लग रही है, लेकिन मेरी बहुएं और मेरी बहन बहुत सुंदर लग रही है। और हमने घमंड भी नहीं करा कभी, घमंड। और ये आ रहे हमारे पापा, और पापा जो कि सारा ऊपर ताला तूला लगा के आ रहे हैं लास्ट में, ये पापा की वो होती है हमारे इंचार्ज मुखिया हमारे घर के, जो देखते हैं सारे ताले चाबी लग गए। तो चलिए आपसे मिलते हैं सीधा वहीं पर। तो हम लोग अब निकल रहे हैं और पास में ही है मेरा दूसरा माइका भी, तो हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां पे, और फिर हम मिलते हैं आपसे वहां पहुंच के। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं मेरी चाची के घर जो कि है मेरा दूसरा माइका। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। और यहाँ सब पहुंच गए हैं, देख सकते हैं एंट्री होते हुए भाभी भैया। खाने को मिलेंगे तो ये वाली जो मैंने आज साड़ी पहनी दी थी मुझे मेरी छोटी चाची ने, इसलिए मैं आज अपने माइके में ये वाली साड़ी पहन के आई हूँ। मुझे तो स्नैक्स की खुशबू आ रही है, मजा आ जाएगा। ये दिव्या का भाई, बड़ी चाची का बेटा। तो यहाँ पे चाची हमारे लिए कुछ तलते हुए स्माइलीज देख सकते हैं आप, और स्नैक्स में पनीर और कुछ और स्टार्टर्स मैग पफ, चिली रोल। तो जैसा कि दिल्ली में हो रही है आजकल बहुत ठंड, इसीलिए सब लोग जा रहे हैं छत पे। आज निकली है थोड़ी सी धूप, तो धूप का मजा लेने लोग सबके सब जा रहे हैं छत पे। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं छत पे, और वहीं पे होगा थोड़ा खाना पीना हम लोगों का। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ सब आ चुके हैं ऊपर। आज पापा को देख के समझ आ रहा है दिव्या सर्विंग में इतनी अच्छी कैसे है। और ये देख सकते हैं दिव्या ने पूरी प्लेट भर ली है अपनी।
मेरा का नाटक आप देख सकते हो, घर से मुझे बोल के आए थे कि जल्दी चलो मेरा स्नैक्स छूट जाएंगे तुम्हारी वजह से। तुम लेट कर रहे हो, तुम सबसे ज्यादा खाए भी मैंने। अब इन्होंने नाटक करके प्लेट वापस रख दी और जैसी पनीर आएगा ये वापस उठा लेंगे। इसलिए ऊपर रखिएगी पनीर, आते ही दोबारा उस पे टूट पड़ोगे ना। पर ये दूसरी बार भाभी की प्लेट भरते हुए, ओ ये मेरे लिए नहीं है तेरे भाई, ये देख रहे हैं, देखा जा सकता है, जितना मर्जी छुपा लो सब दिख रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं लेडीज, यहाँ एल्बम निकाल दी गई है। अब आप देखेंगे कि मेरी और मेरे भाई बहन चाचा चाची सब लोग बचपन में कैसे लगते थे, और हम पहाड़ियों में हल्दी लगाई जाती है बांधे, तो ये मैं अपने चाचा को बांध लगा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग दिव्या और उसका भाई, इसने रसगुल्ले खा रखे हैं दोनों तरफ, इसका मुंह ऐसे ही रहता था। चाची का बेटा, इसकी मुंडन की फोटो है, ये मैं और ये कुनाल। तो ये मेरी सास है जो कि मेरे भाई के मुंडन में भी आई थी। और हम आपको दिखाते हैं आज खाने में क्या क्या है। ये राजमा, ये करारी भिंडी, ये दम आलू और ये पनीर। अब हम करेंगे इसका टेस्ट और फिर हम आपको बताएंगे आज कैसा बनाए। तो ये रहा आज का मेन्यू। मेरे को भी और यहाँ चाची सबके लिए रोटियां बनाते हुए गरम गरम एकदम। तो ये सारी भोजन माताएं यहाँ बैठ चुकी हैं जो सबको खाना खिलाती हैं। भिंडी, ये है पनीर, ये फ्रूट का रायता, पहले मैं भर देती हूँ, और ये हलवा गरम होते हुए। तो ये रहा हलवा गरम गरम एकदम, और बहुत मस्त लग रहा है। तो ये पापा ने बोला था कि आज मैं अपने बहू के मायके जाके बहुत सारा खाऊंगा। नहीं खाया आपने बहुत, आपके बहुत खाया, पकौड़े खा लिए, चाय पी ली। हाँ कह रहे थे सुंदरी आलू का कुछ नहीं छोड़ा, खा के फिर हलवा भी खा। पर इनकी टाई टाई फिस हो गई, इतना खाना था कि खा ही नहीं पाए। पापा ने कहा था बाजी मारी, ये सुषमा बोनी का फोन गया, तो पापा ने कहा बोल बोल ऐसा बोल टेबल पे सब कुछ लगा दो, सुंदरी आलू का हमने आज कुछ नहीं छोड़ना। कैसा बना है पापा चाचा हलवा? मजेदार, कपड़ी नंबर वन पास हो गए सुंदरियाल। और यहाँ एक चोर पकड़ा गया है जो कि मेरे मायके से टॉफियां चुरा रहे हैं, ये अपने जेब में भर रहे हैं ऐसे टॉफियां ले लेके। ये देखो एक और चोर ये इधर टॉफियां चुरा रहे हैं यहाँ से, इन्होंने अपनी जेब भर लिया। वहां तो आप सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है आपकी, यहाँ ससुर का डर नहीं है। चाचा डराओ इनको। ऊपर से जो अभी पॉकेट्स में डाली है भर भर के। कुछ बता अब कैसा था खाना? इतना खा लिया, छींक मारूंगा ना तो रायता निकलेगा, इतना खा चुका हूँ। इतना पेट देखो इनका, पेट पे फोकस करें। ये मटका कुल्फी इसमें भर दिया मैंने, ये सिर्फ अभी अभी भी बड़ा है बस। और आप? सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और जो वो जेब में भरा है वो निकाल दो, मेरे पास कॉपी नहीं है। इसने अपने पति की जेब में रख दिया है और इसका पति वैसे भी इस काम में माहिर है। कैसा था दिव्या खाना आज का? खाना तो अच्छा ही था, मुझे तो पता ही है, मैं तो बचपन से खाती आ रही हूँ अपनी चाची के हाथ का खाना। और ये खा पी के बैठ चुके हैं रजाई में, ये देखिए ज्यादा ही खिला दिया, अब हाजमोले की गोली खा रहा है। अब ये गोलियां इनको दे दी गई है ताकि ये भी अपना खाना पचा पाए। कैसा बना था खाना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आए, मजा आया। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? अब किस किस का नाम ले, मुझे सारा ही अच्छा। दम आलू इतने अच्छे थे, कपली इतनी अच्छी थी, बाथों का रायता इतना अच्छा था, अब किस किस का नाम अच्छा था। तो माँ बताना चाहेंगे कफली क्या होती है, जो हमारे नॉन पहाड़ी सब्सक्राइबर है उनको पता नहीं है कफली क्या होती है। सरसों के और पालक मेथी, इसको उबाल के पीस के फिर उसको तड़का लगाया जाता है जख्या का,
और कफली बनाई है हमारी नानी ने। नानी है एक्सपर्ट कफली बनाने में। शाम के टाइम यहाँ पे देख सकते हैं सारे कॉफी पीते हुए और भाभी जंगलियाणिया को बन गई, बाल बाल सारे खुल गए हैं। तो यहाँ शाम को चंडाल चौकड़ी लग चुकी है, तो हम आपको बताते हैं यहाँ क्या बातें होती है। पता पता क्या, मैं ठीक हूँ अभी, मैं आ रही राहुल ना, मेरे को दो तीन चार दिन से रोज बोले जा रहे कि तू ना रात को खराटे लेती है। मैंने कहा नहीं मैं लेती नहीं, मैंने शादी से पहले तो आज तक कभी खराटे नहीं ले हुए, यहाँ आगे मेरे को कहाँ से खराटे। मैं बता दूँ मेरे पे देखता हूँ। मैंने इसको बोला तू खराटे लेती है, कह हो नहीं सकता मैं खराटे लेती हूँ, प्रूफ दिखा मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन मैं फिर बोला, मैंने कहा दिव्या तू खराटे लेती है, तू वीडियो क्यों नहीं बनाता? मैंने कहा बना ली। कह रहा दिखा, मैंने दिखाया, मैंने आराम से, मैंने भाभी आओ, अनुज आ, ये मानेगी नहीं, ये भी कहते कि मेरे कराटे नहीं है। हाँ। सबको दिखाया, ऐसा कैमरा जा रहा है, सो रही है इसके मुंह पे और वहां पे यार मुझे लग रहा है मैंने थक ज्यादा गई थी काम करके, खराटे आ रहे हैं। मम्मी कभी शादी से पहले मैंने खराटे लिए? आप तो रोज जब वो साथ वाले भी खराटे लेके तो मुझे जब मम्मी खुद कराटे मैंने इस घर में मैं ही हूँ जो खराटे नहीं लेता। कल आज राहुल ने भी लिए खराटे और मैंने भी वीडियो बना रखी है, और मैंने सुबह उठते ही राहुल को दिखाई, यहाँ वही खराटे मैंने निकाल रही थी राहुल दे। इसने मतलब मेरी आदत बिगाड़ दी। एक अच्छा लड़का था जो खराटे नहीं लेता था। अब बेफिक्र हो गए हैं, पहले अपनी शादी के बाद बेफिक्र हो गए हैं कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है। एग्जांपल कौन दे रहे हैं जो सबसे दहाड़ के खराटे लेते हैं? भाई शेर हो तो ताड़ूंगा नहीं। एक सर्वे के अनुसार जो मैंने उसमें देखा था डिस्कवरी में, हर इंसान लेता है, जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं हर इंसान लेता है। किसी की वॉल्यूम कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है, पर खराटे हर इंसान लेता है, यहाँ तक कि कुत्ते भी लेते हैं। यहाँ तक कि कुत्ते भी लेते हैं। हाँ कुत्ते भी लेते हैं। ये लाइन आपने दिव्या को देख के बोली? आइसक्रीम मैन हमारे घर के चाचा स्पेशली हमारे लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। ये है कुछ कसाटा टाइप की, और मैं आपको बता दूं बचपन से अभी तक हमने जब भी आइसक्रीम खाई है तो हमें चाचा ने खिलाई है। और इधर चाय बनते हुए, तो चाय वाले चाय पियेंगे और जिनको आइसक्रीम खानी है वो लोग आइसक्रीम खाएंगे। जैसा कि हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की डिमांड थी कि हम थोड़ा थोड़ा पहाड़ी गाना अपने हर व्लॉग में गाएं, तो आज भी हम थोड़ा सा पहाड़ी गाना आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मिठाई, जैसा कि बताया था हमारा रिवाज। Thank you.
बिल्कुल भी भाई जी तुम्हें कसम है नहीं बिल्कुल नहीं लूंगी मैं इस एक्चुअली भी नहीं लूंगी कसम है नहीं 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 तुमने बोला खाना खाने आना मैं आ गया जैसे रुचि है वैसे दिव्या है नहीं मैं हमारी तरफ से कुछ भी नहीं भाई साहब आपने दे दी और हम खुश है बस हमारा ही प्यार है हमें ये कुछ नहीं चाहिए हमें लड़की मिल गई बस परिवार में ये प्यार बना रहे रुचि के लिए कुछ भी नहीं है ये तो बस छोटी हम मना नहीं करेंगे और इनका भी ले लेंगे अगर बिल्कुल मना नहीं करूंगी और ये चाची चाची आपको भी कलर पसंद नहीं आएगा अरे देना लेना क्या है तो एक छोटा सा प्यार है कुछ छोड़िए हाँ हाँ दो 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 क्या दे रहे हो क्या दे रहे हो राहुल ये रहा ये बैठ जाओ भाई बेटी के नखरे भी तो मैं उठा रहा हूँ मेरा तो बनता है बता ऐसी बेटी दीजिए नखरे नहीं करते ठीक है नीचे तक ठीक है अब अगली बार से तुम लेकर आते रहना कोई दिक्कत नहीं होगी आगे एफडी आइए ठीक है ये नानी का प्यार ये मुझे मेरी नानी से प्यार मिला है ये मिला नहीं है तूने जबरदस्ती लिया है मेरी नानी हक है मेरा अब आज आपके मोमोज के पैसे पूरे हो जाएंगे जो 140 रुपए रह गए थे ना भाई पूरे आज पूरे हो जाएंगे उस दिन हाफ प्लेट ही आई थी आज के देखते हैं आज दो प्लेट आ जाएगी उनका आशीर्वाद चिरंजीव रहो खुश रहो नानी इसकी क्या जरूरत थी आज कैसे दे दिया मुझे रोज तुम उसे छीनते हो मेरे घर आके अभी मैंने गाड़ी चलानी है तो अब हो रही है हमारी विदाई और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए मेरा होगा ये और ये है दिव्या का दूसरा माइक देखिए हाँ खाली है राहुल दे दे। राहुल खाली है देख, खाली राहुल एक लिफाफा छूट गया तुम्हारा रख दे वो चाबी दीजिए ना वहीं से निकलूंगा कौन सी चाबी राहुल उसकी चाबी दीजिए ना हटाने के लिए बोनी को अच्छा मेरे को तूने डाला भाई घर में जाके हिसाब लगा नहीं तुम्हारा ये किसी का गिराया पापा ने ले लिया नहीं आपकी जेब में पीछे पापा ने नहीं पापा तो नहीं गिर गया आपने यहाँ डाला पापा ने पापा ने नहीं लिया झूठ बोल रहे हैं क्या रेड वाला नहीं था ही दिख रहा हूँ मम्मी अरे घर का घर पे जा रहे किसी को मुझे लग रहा है किसी का नहीं होगा तो मेरा होगा आपने एक लिफाफा गिरा दिया ना किसने चाहे वो ऐसा होगा लेकिन तेरा फेवर ये है कि हमारे इसने सबके सामने प्रूफ कर दिया अब तुम्हारी नहीं है सो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग दिव्या का दूसरा माइक है आशा करते हैं आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके अभी सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें बहुत सारा प्यार दें थैंक यू गाइस बाय बाय सारे बाय कर दो बाय